गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो है हम हमारी पहली कविता पार्ट ए बात सुनो रे भाई। ये जो हमारा पहला पार्ट है वो आज शुरू करने जा रहे हैं और हमारी ये जो कविता है बात सुनो रे भाई डॉक्टर मधुपंत ने लिखी हुई। ये जो डॉक्टर मधुपंत है ये कविता की रचनाकार है। इन्होंने जो है विज्ञान में स्नातक तथा हिंदी में स्नातकोत्तर तक की जो है पढ़ाई की है और आज जो है इनका जो पाठ है बात सुनो रे भाई ये जो कविता है ये आज हम देखने वाले हैं। इस कविता में भारत की आजादी की लड़ाई का जो है संपूर्ण विवरण किया गया है और इस कविता के माध्यम से कवयित्री जो डॉक्टर मधुपंत है ये हमसे कहना चाहती है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की सैनिक क्रांति से आरंभ हुआ था, जिन्होंने जिसमें जो है अनेक जो सत्याग्रही है उन्होंने और रणबांकुरों ने जो है अपने जीवन का बलिदान दिया है और इस संग्राम को जो है कामयाबी तक पहुंचाने का काम जो महात्मा गांधी है इनके सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा हुआ है और सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा जो है इस स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई शुरू की गई थी इससे सफलता प्राप्त हुई है और इस संग्राम में सारे जो भारतवासी है जो भारत में रहने वाला हर एक जो व्यक्ति है वो सभी जो है एकता के सूत्र में बन गए थे और क्रांति की चिंगारी एक दानावल की तरह जंगल की आग की तरह जो है पूरे राष्ट्र में फैल गई थी। तो देखते हैं हम हमारी कविता बात सुनो रे भाई। तो देखिए आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, जंजीरों में जकड़ी माता भीषण भूख कुछ सहा न जाता, जन जन बिलख बिलख पछताता रूठ गया था भाग्य विधाता, बुझी रात की चिंगारी किसने फिर से सुलगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, बर्बरता का फैला दाम अट्टहास करता था रावण, सन 1857 आया ले आशा का दामन, मंगल कैसे गरज उठा किसने हुंकार लगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। ये जो पद है यहाँ तक हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द अफसाना यानी क्या कहानी, अफसाना यानी कहानी, भाग्य विधाता यानी किस्मत या तकदीर बनाने वाला, भीषण यानी भयानक या डरावना, बर्बरता यानी क्रूरता, दामन यानी आंचल, अट्टहास यानी जोर की हंसी या ठहाका, हुंकार यानी ललका और आशा यानी क्या उम्मीद, आशा यानी क्या उम्मीद। ठीक है, अब देखिए आगे आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, जंजीरों में जकड़ी माता भीषण दुख कुछ सहा न जाता, जन जन बिलख बिलख पछताता रूठ गया था भाग्य विधाता, बुझी रात की चिंगारी किसने फिर से सुलगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर मधुपंत हमसे ये कहना चाहती हैं कि आजादी की जो है लड़ाई का जो आजादी की जो संपूर्ण लड़ाई का जो है विवरण इन पंक्तियों के माध्यम से जो है डॉक्टर मधुपंत कर रही हैं और वो कहती हैं कि जब भारत माता जो है जंजीरों में जकड़ी हुई थी
कब? सन 1857 से पहले और भारत को आजादी मिलने से पहले जो है, जो भारत माता है वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और ये जो भीषण, जो भयानक, ये जो डरावना जो समय था, ये जो दुख था, ये जो है भारत माता से और जो भारतवासी है उनसे सहा नहीं जाता था, और पूरा जो पूरे जो लोग हैं वो जो है बिलख बिलख कर पछताते थे, लेकिन उनकी ताकत नहीं होती थी कि वो जो है अंग्रेजों को जाकर जो है अपना दुख कहे और उनसे जो है मुकाबला करे। लेकिन और ये जो इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था ये इतना बढ़ गया था कि जो है ईश्वर को भी, भारत के जो रहने वाले लोग हैं इनके ऊपर दया नहीं आ रही थी। तो जो है उस समय जो सबके मन में जो आजादी की भावना की जो चिंगारी थी वो बुझ गई थी, लेकिन ये जो बुझी रात की जो चिंगारी है, ये जो उनके मन के अंदर जो भावना मर चुकी थी कि हम आजाद हो सकते हैं, इस भावना को, इस क्रांति को फिर से उनके मन में किसने जो है ये स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो चिंगारी है उनके मन में किसने सुलगाई, ऐसा ये जो है कवयित्री यहाँ पर हमसे पूछ रही है। और बड़े प्यार से कह रही है कि आजादी के अफसानों की, जो आजादी का, जो स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी है उस कहानी को सुनो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा जो है कवयित्री जो डॉक्टर मधुपंत है वो हमसे कह रही है। अब देखिए आगे, बर्बरता का फैला दामन अट्टहास करता था रावण, सन 1857 आया ले आशा का दामन, मंगल कैसे गरज उठा, किसने हुंकार लगाई आजादी के अफसानों की, बात सुनो रे भाई। अब देखो चारों ओर जो है बर्बरता फैल गई थी, चारों ओर जो है ऐसा माहौल बन गया था कि जो है किसी की, जो भारत में रहने वाले जो भारतवासी है उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जो अंग्रेज थे वो जो है अपना जुल्म बढ़ाते जा रहे थे, और जो है जो अट्टहास करता था रावण, जो रावण रूपी जो अंग्रेज थे वो जो है अपना जुल्म सीता जो है भारतवासी पर जो है ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे। और तब जो है सन 1857 में एक ऐसी आशा की उम्मीद, एक ऐसी आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जाग उठी। किसने जगाई वो? कि मंगल पांडे जो है उन्होंने जो है मेरठ से जो है एक हुंकार लगाई, एक जो है वहां से उन्होंने अपनी जो आजादी का, भारत को आजाद कराने की जो है उन्होंने वहां से बात फैलाई है, वहां से शुरुआत की है। ये जो है यहां पर जो है हमें बताया गया है कि जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को ललकारा है आजादी मिलाने के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए, जो है मंगल पांडे ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया है, उन्हें ललकारा है, और तब जो है जो भारत के जो रहने वाले जो भारतवासी है उनके मन में जो है एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है कि वो भी अब जो है आजाद हो सकते हैं। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।